Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to start with part 3 of all about coronavirus session. Now these series that I have started, they are from the perspective of your upcoming preliminary examination. ये जो session हमने start किया है ना, ये आपके आने वाले prelims examination के लिए important रहेंगे. तो make sure that you are following these lectures and you are noting them down, making short notes and revising them, because questions on coronavirus might be asked in your upcoming examination. अभी यही एक hot topic पूरी country में चल रहा है, इस पूरे world में चल रहा है, जिस वजह से 100% chances हैं कि इसके ऊपर आपके, ठीक है? So make sure that you are understanding what we are explaining in these sessions, and also make sure that you are keeping down short notes. Short notes बनाते जाओगे तो आपके लिए easy रहेगा revise करना. Class PDFs are uploaded on our Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease. You can directly download the class PDFs and notes and resources from there. ओके तो नोट्स रिसोर्स एवरीथिंग हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं. आप वहां से डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हो. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही हुआ है. सो फार वी हैव स्टडीड मेनी थिंग्स अबाउट कोरोना वायरस. वी हैव स्टडीड मेनी थिंग्स, मेनी इन्फॉर्मेशन. वी हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू इन अ वेरी सिंपल हैंडमेड फॉर्मेट मैनर अबाउट द वायरसेस एंड म्यूटेशंस. ओके Over here, we studied first of all what is a virus. सबसे पहले हमने पढ़ा वायरस क्या होता है. Then we studied why do viruses mutate. Then we studied the effect of mutation on virus. Then we studied about SARS-CoV-2, the variant that emerged in China. Then we studied how does coronavirus get into human cells. हमने ये भी पढ़ा कि coronavirus human cells में कैसे आता है. Then how it releases the viral RNA, ribonucleic acid. Then how it hijacks the cell. And we studied the spread of infection. राइट हमने पढ़ा हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कैसे, हमारी इम्यूनिटी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, ये भी हमने पढ़ा. एंड व्हाट इज VTI, दैट आल्सो वी हैव स्टडीड. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस वेरिएंट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस वेरियंट. हेयर म्यूटेशन इट मीन्स ऑल्टरनेशन और चेंज इन द जेनेटिक मटीरियल ऑफ अ सेल. सेल का जो जीनोम होता है उसमें जो चेंज आता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं. ठीक है. एंड यू नो दैट द डबल म्यूटेंट इन इंडिया विच वॉज सीन, इट वॉज दिस डबल म्यूटेंट वॉज नॉट सीन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, इट वॉज फाउंड इन इंडिया. ये जो डबल म्यूटेशन था ना, ये इंडिया में पाया गया था. वी हैड टू लीनियजेस ऑफ दिस डबल म्यूटेशन, E484Q एंड L452R. इट्स अ पार्ट, दीज टू म्यूटेशन आर पार्ट ऑफ B1617 वेरियंट ऑफ कोरोना वायरस. हमारे इंडिया में जो वेरियंट पाया गया था वो था B1617. उसमें दो म्यूटेशन हुए. इन दिस इंडियन वेरियंट वी सॉ टू म्यूटेशन. ओके, इट वॉज फाउंड इन महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब एंड गुजरात. सो दिस B1617 वेरियंट, इट इज मोर ट्रांसमिसिबल. दैट इज वाई मेनी कंट्रीज blocked their flights, closed their flights coming from India, because this variant was easily transmissible and it was able to override neutralizing antibodies. जो antibodies neutralize करती है ना इस virus के impact को, ये variant इतना चालाक है कि उन antibodies को भी ये मात दे दे, पागल बना दे, ठीक है, double cross कर दे उनको भी. हमारे antibodies जो neutralize करने इसको आएंगे उसको भी थोड़ा सा घुमा दे. पॉइंट क्लियर. एंड द वेरिएंट इंडिया में पाया गया उसको WHO ने नाम दिया डेल्टा. द वेरिएंट व्हिच वाज फाउंड इन इंडिया, दिस वेरिएंट, इट वाज नेम्ड बाय WHO एज डेल्टा. दैट यू हैव टू रिमेम्बर. ओके, सो द जीनोम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ DNA. ऑर्गेनिजम्स का जो जीनोम होता है या जेनेटिक मटीरियल होता है वो DNA से बना होता है. DNA मीन्स डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. बट द वायरल जीनोम्स, ये जो वायरस का जीनोम है, राइट, ये RNA से बना है. कोरोना वायरस का DNA से भी बना होता है बट कोरोना वायरस का RNA से बना है, ये पॉइंट याद रखना है. एंड आई हैव टोल्ड यू द म्यूटेशन इन DNA कैन बी करेक्टेड बट द म्यूटेशन इन RNA कैन नॉट बी इजिली करेक्टेड. इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. दैट इज वाई इट बिकम्स मोर वायरुलेंट. दैट इज वाई इट बिकम्स मोर डेंजरस. ओके, पॉइंट क्लियर. बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर्स अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. यू ऑल नो दैट Unacademy हैज लॉन्च्ड द महा सब्सक्रिप्शन ऑफर. So this, under this Maha subscription offer, your subscription will be valid till your mains attempt. For example, if you take 1 year subscription on Unacademy today, that will be valid till mains 2022. Or if you take 2 year plan for 2023 attempt, then it will be valid till mains 2023. So it's an extended Maha subscription offer that Unacademy has launched, and only few days are left for you to subscribe. So if you subscribe today,
You can use code Arpita10 to get 10% discount on your plus subscription. So make sure that you subscribe today. आज make sure करना कि आप फटाफट से subscribe कर लो. I've given you the link in the description box, okay, below the video. So take your subscription today, use this code Arpita10 and get direct 10% discount. Now the most important point is how these viruses are named. So WHO is in viruses को नाम कैसे देती है? देखो, every variant of a virus should be given a name from the Greek alphabet. For example, the Delta variant found in India, Delta is a Greek alphabet. ये जो Delta है ना, ये Greek नाम है. ठीक है, तो यहाँ पर B117 the variant found in Britain was named as Alpha. B1351 the variant found in South Africa was named as Beta. P1 variant found in Brazil was named as Gamma. And the variant found in India is named as Delta. Point clear हुआ, समझ आ रही है बात? Now there is a very important point. The WHO has said that only B16172, one of the three strains of the Indian variant of coronavirus, it is now a variant of concern. India में जो coronavirus variant पाया गया है ना, उसके तीन variant lineages हैं. उनमें से एक lineage variant of concern, you know, करार किया गया है WHO के द्वारा. Now what is a variant of concern? A variant is a variant of concern when the transmissibility increases. जब बहुत easily फैलने लगता है वो, तो वो variant of concern है. और detrimental change in COVID-19 epidemiology और decrease in effectiveness of public health care, social measures या public health care जो भी है, जब वो effective ना रहे, इतना खतरनाक variant हो जाए, तब उसे हम variant of concern बोलते हैं. या जो clinical disease जो है उसको और ज्यादा virulent कर दे, और ज्यादा problematic बना दे आपके body में, तो हम उस variant को variant of concern मानते हैं. Okay, point clear. Now the B1612 variant, it is found in India. It is one of the three strains. India में जो COVID-19 का variant पाया गया था वो है B1617. इसके तीन lineages हैं mutation की वजह से. Because of mutation it was divided into three parts. B1617, B1612 and B1613. Out of these three, B1612 has been found as the variant of concern. इसको बनाया गया है variant of concern. Okay, point is clear. And a variant is created by combination of mutations. Remember this. ये variant कैसे बनते हैं? जब original virus में mutation होता है, change आते हैं, तो variants निकल कर आते हैं. So variant becomes of concern if it fulfills at least one of these criteria. Variant concern का variant तब बनता है जब इनमें से कोई एक criteria fulfill करे. First, there is evidence that it transmits more easily. जब ये evidence मिल जाए कि ये बहुत easily transmissible है. Second, causes more severe illness. जब ज़्यादा बीमारी create करने लगे इंसान की body में. And third, when significantly reduces neutralization by antibodies. यानी कि naturally आपकी body में जो antibodies बने, उससे इसको बचाव मिल रहा है, उससे ये protect हो रहा है, मतलब उसके effect को भी neutralize कर दे रहा है, तब वो variant of concern माना जाएगा. India में Delta नाम दिया गया था अभी फिलहाल जो variant of concern है, और original जो था उसको Kappa नाम दिया गया था. ये points आप याद रखिएगा, ठीक है? So this was all about coronavirus lecture number 3. I hope you enjoyed this lecture. उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया हो कि क्या चल रहा है नेशन में, आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.